हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं और ये प्रश्न आपके पूरे बुक के, ठीक है फ्रेंड्स, पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके यदि आप इस प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 15 नंबर पक्का हो जाएगा। एक ही वीडियो में आपके 15 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। तो यदि फ्रेंड्स आप भी 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है कि मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरा पूछेगा और बोलेगा कि इसका वाक्य प्रयोग करके अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, तो इसका अर्थ लिखना रहता है, उसके बाद से वाक्य प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला मुहावरा है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये आपका एक मुहावरा है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है, जो अर्थ होता है वो आपका होता है कपटपूर्ण व्यवहार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि राधेलाल छोटा कर्मचारी है और बड़ा आदमी बनना चाहता है, उसके व्यवहार में एक रूपता एवं मधुरता नहीं है, उसके जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कि दिखावा ज़्यादा करना, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास पैसा कम होता है लेकिन वो खर्च अधिक करते हैं। तो उसमें आपका क्या होता है कि यहाँ पर देखिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कि कपटपूर्ण व्यवहार करना, तो इसका आपका अर्थ होता है, ये आपका होता है वाक्य प्रयोग। तो आपको बोर्ड एग्जाम में आपका देगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो बोलेगा कि इसका अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए, तो आपको सेम इसी तरह से लिख देना है, तो आपके 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा जो आपका मुहावरा है होनहार वीर, यहाँ पे देखिए दिया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, तो देखिए इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ देखिए क्या होता है कि होनहार बचपन से ही दिखाई देने लगता है। यहाँ पर आप गांव में सुने होंगे कि कोई छोटा बच्चा रहता है, तो यदि वो होनहार बच्चा है तो उसको लोग बोलते हैं कि बड़ा होकर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ठीक है, अच्छा काम कोई करेगा, तो इसको बोला जाता है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका वाक्य प्रयोग यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखकर एक आकृति विज्ञानी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर देश का कर्णधार बनेगा, इसके लक्षण विलक्षण हैं, क्योंकि होनहार वीरवान के होत चिकने पात, यानी कि होनहार बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला जो आपका मुहावरा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट जो आपका है कि सावन हरे न भादो सूखे, देखिए मुहावरा आपका है कि सावन हरे न भादो सूखे, तो इसका अर्थ होता है सदैव एक जैसे रहना, ठीक है, सदैव एक जैसा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स वाक्य प्रयोग, इसका जो वाक्य प्रयोग करेंगे तो मुकेश बड़ा ही हंसमुख है, उससे जब भी मिलो प्रसन्न ही मिलता है, ठीक है, उसके लिए तो सावन हरे न भादो सुखे वाली उक्ति पूर्णतया चरितार्थ होती है, यानी कि इसका मतलब होता है सावन हरे न भादो सुखे, इसका जो अर्थ होता है सदैव एक जैसा रहना, सदा, इस देखिए सदैव जो होता है, सदैव में संधि विच्छेद क्या होता है, सदा धन एव, तो सदैव यानी कि एक जैसे रहना। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका अगला टॉपिक है संधि विच्छेद। तो देखिए संधि विच्छेद आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पढ़ा दिया है कि महर्षि का संधि विच्छेद है, तो देखिए क ऑप्शन दिया म धन ऋषि, और ख ऑप्शन दिया म धन हर्षि, और ग ऑप्शन दिया महाधन ऋषि, और घ ऑप्शन दिया महाधन ऋषि। तो देखिए जो आपका महर्षि होता है, इसमें जो आपका संधि विच्छेद होता है वो आपका क्या होता है, महाधन ऋषि होता है, क्या होता है, महाधन ऋषि, जो आपका ग ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर दूसरा, यहाँ पर देखिए दूसरा दिया है कि मधुअरी का शब्द का संधि विच्छेद है, तो क ऑप्शन दिया मधुधन अरि, ख ऑप्शन दिया मधुधन वरि, और ग ऑप्शन दिया म धन ध्वरि, और घ ऑप्शन दिया मधुधन रीस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मधुअरी का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका होता है फ्रेंड्स मधुधन अरि, क्या होता है, मधुधन अरि। तो देखिए क ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए जो आपका क ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा जो आपका प्रश्न दिया है कि स्वागतम का संधि विच्छेद है, तो देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क ऑप्शन दिया स्वाधन गतम, ख ऑप्शन दिया स्वागत धन मम, और ग ऑप्शन दिया सुधन आगतम, घ ऑप्शन दिया स्वागधन तम। देखिए फ्रेंड्स, आप स्वागतम का संधि विच्छेद पढ़े होंगे, स्वागतम का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका क्या होता है, सुधन आगतम होता है, क्या होता है, सुधन आगतम, यानी कि उ धन अ बराबर आपका व हो जाता है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सुधन आगतम, जो आपका ग ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे
विभक्ति एवं वचन। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में विभक्ति एवं वचन से भी आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि नाम भी में विभक्ति और वचन है। तो यहाँ पर देखिए क ऑप्शन आपका दिया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर दिया बोल रहा है कि तृतीय विभक्ति बहुवचन, ख ऑप्शन दिया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, और ग ऑप्शन दिया पंचमी विभक्ति एकवचन, और घ ऑप्शन दिया है सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नाम भी दिया है, ठीक है। तो देखिए एक आपका ट्रिक होता है फ्रेंड्स सुसुम भी 67-63। तो यहाँ पर देखिए जो आपका भी आ रहा है ये आपका लास्ट में आ रहा है 67-63, यानी कि तृतीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स इसका देखिए को ऑप्शन जो दिया है तृतीय विभक्ति बहुवचन, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है दूसरा कि आत्मने में विभक्ति और वचन है, तो को ऑप्शन दिया द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और देखिए ख ऑप्शन दिया चतुर्थी विभक्ति एकवचन, गो ऑप्शन दिया षष्ठी विभक्ति द्विवचन, और घ ऑप्शन दिया सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो देखिए फ्रेंड जो आपका आत्मने दिया है यहाँ पर आपका क्या दिया है ने दिया है, ठीक है। तो इसका देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो ने दिया है इसमें आपका कौन सा होता है चतुर्थी विभक्ति होता है और एक वचन होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका जो ख ऑप्शन दिया है ख ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स शब्द युग में, देखिए शब्द युग में भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जो आपका पहला दिया है कि अनल और अनिल, यानी कि इसका अर्थ हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए क ऑप्शन दिया पृथ्वी और आकाश होगा, ख ऑप्शन दिया अग्नि और वायु, घ ऑप्शन दिया जल और वायु, और घ ऑप्शन दिया पानी और आग। तो अनल और अनिल का अर्थ क्या होगा, तो देखिए अनल और अनिल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए अनिल जो होता है ये आपका किसका परिवार जो होता है फ्रेंड्स वायु का। वायु का क्या होता है फ्रेंड्स हवा, वायु, अनिल अनिल समीर पवन गंधवा। अनल मतलब क्या होता है आग होता है अग्नि होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अनल है अनल मने अग्नि और अनिल मने वायु। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ख ऑप्शन दिया है ये आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, तो देखिए जो आपका दूसरा दिया है यहाँ पे आपका बोल रहा है कि तरणी, क्या बोल रहा है तरणी और तरणी। यहाँ पर देखिए आपका छोटी ई दिया है यहाँ पे बड़ी ई दिया है, तो इसका अर्थ हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए को ऑप्शन दिया सूर्य और नाव, और यहाँ पे आपका देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है कि सूरज और चंदा, और यहाँ पे जो आपका ग ऑप्शन दिया नाव और स्त्री, और घ ऑप्शन दिया तरना और स्त्री। तो तरणी और तरणी इसका अर्थ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए जो आपका दूसरा जो दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सूर्य और नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा सूर्य और नाव हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका क्या है फ्रेंड्स अनेकार्थी शब्द है। क्या है अनेकार्थी शब्द, जैसे मैं आप परिवाची में पढ़े होंगे फ्रेंड्स सेम इसी तरह से इसका यानी कि कॉपी का एक इसमें 2-3-4 अर्थ इसका लिखना रहता है। इसी तरह से कनक का कर का इसका मतलब और क्या हो, इसको हम क्या और बोल सकते हैं, ठीक है। कर का और अर्थ क्या होता है, देखिए जो आपका कॉपी दिया है कॉपी मीन्स क्या होता है बंदर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स ध्यान से देखिए कॉपी मिस होता है बंदर, ठीक है। तो इसको बंदर भी लिखा जा सकता है। और देखिए कॉपी का एक और अर्थ होता है फ्रेंड्स ये आपका होता है हाथी। क्या होता है हाथी, इसको हम कॉपी भी बोल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स एक आपका होता है सूर्य होता है। क्या होता है सूर्य होता है, यानी कि सूर्य भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है कनक, क्या दिया है कनक, तो देखिए कनक मिस क्या होता है सोना होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कनक का अर्थ सोना, सोना भी हो सकता है। अब देखिए एक आप पढ़े होंगे एग्जाम्पल कि कनक कनकते 100 गुनी, ठीक है। तो इसमें आप कनक का किससे अर्थ होता है सोना से लिया जाता है। तो देखिए यहाँ से कनक हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड धतूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि धतूरा भी होता है, यहाँ से हो जाएगा धतूरा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 अर्थ हो जाएगा कनक के। अब देखिए कर, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स भी होता है यानी कि इंसान जो टैक्स भरता है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा टैक्स। अब देखिए कर यानी कि जो आपका हाथ होता है हाथ को कर भी बोला जाता है, ठीक है, हाथ को कर भी बोला जाता है। अब देखिए इसका एक अर्थ होता है वो आपका होता है किरण, क्या होता है किरण भी होता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स का यहाँ पर देखिए कर का मतलब एक आपका होता है फ्रेंड्स हाथी का सूंड, क्या होता है फ्रेंड्स हाथी का सूंड होता है, ठीक है, इसको हम कर्ण भी कर भी बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स वाक्यांश के लिए एक शब्द, देखिए ए भी आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं आस्तिक, यहाँ पर लिख दीजिएगा आस्तिक। और देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, तो आपका हो जाएगा नास्तिक, ठीक है, नास्तिक। अब देखिए यहाँ पे आपका दूसरा दिया है कि पैर से सिर तक, तो पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपाद मस्तक, यहाँ से आपका हो जाएगा आपाद मस्तक, ठीक है। तो यहाँ से पैर से सिर तक को हम बोल सकते हैं आपात मस्तक। अब देखिए जो आपका तीसरा दिया है कि जिसका वर्णन न हो सके, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो यहाँ से आपको हो जाएगा अवर्णनीय, क्या हो जाएगा अवर्णनीय,
यहाँ से आपका दो नंबर यहाँ से भी आपका पक्का हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका देखिए फ्रेंड्स आपका जो वाक्य संशोधन होता है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर देखिए वाक्य आपका दे देगा उसमें आपका दिया रहेगा अशुद्ध देगा, ठीक है, तो इसको शुद्ध करके लिखना रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला दिया फ्रेंड्स यहाँ पर पहला आपका क्या बोला है कि उसने तीन पुस्तकें खरीदा, यहाँ पर क्या बोला है कि उसने तीन पुस्तकें खरीदा। तो देखिए इसको जब शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा उसने तीन पुस्तकें। अब देखिए यहाँ पे खरीदा क्या हो जाएगा, खरीदी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए जो आपका दूसरा दिया है कि कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, तो ये आपका क्या है, अशुद्ध है। तो इसको शुद्ध जब करके लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा कृपया मेरे सामान। देखिए यहाँ पर सामानों नहीं रहेगा, सामान रहेगा, कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना, ठीक है। आप किसी से ही ना बोलते हैं कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना, आप तो किसी से थोड़े बोलते हैं कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना, पर, ठीक है, यानी पर यानी किसी यानी मान लीजिए मेज है, मेज के ऊपर यदि कोई सेव रखा रहता है तो उसको हम बोलते हैं उसके ऊपर है, ठीक है, पर। तो यहाँ पर देखिए हमको उसको हम बोलेंगे कृपया मेरे सामान का ध्यान रखना, पर नहीं रख बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि मैं भोजन कर लिया हूँ, तो इसको देखिए जब शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा मैंने भोजन कर लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पर देखिए चौथा दिया है कि प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसको जब शुद्ध करके लिखें तो यहाँ से आपको हो जाएगा प्राचार्य ने हस्ताक्षर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या बोला है, कर दिया नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ से आपको रेस्पेक्ट देना है, कर दिए। तो यहाँ देखिए प्राचार्य ने हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पांचवा दिया है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो जब इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आप शुद्ध ऐसे आप शुद्ध लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 15 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।